आज अफसोस की बात यह है कि रईसा फातिमा नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करने वाली एडवोकेट का आज बहिमाना तरीके से कत्ल हुआ है गोलकुंडा पुलिस लिमिट में। ये इसके बारे में हम बार एसोसिएशन ऑफ हैदर नामपल्ली कल एब्सटेंड करेंगे वर्क को और कल 30 तारीख को, और तमाम बार एसोसिएशन से भी दरख्वास्त है कि अपना काम एब्सटेंड करिए। ये एक वाक़या नहीं, कई ऐसे वाक़यात होते जा रहे हैं कि वकलाओं के ऊपर बहिमाना तरीके से हमला हो रहा है और उन लोगों का कत्ल किया जा रहा है। अरसे दराज से हमारा वकलाओं का ये तलबा था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को नाफिज किया जाए, मगर हुकूमत बिलखसूस तेलंगाना हुकूमत ये मामले में गैर संजीदा है। लिहाजा हम बहुत अफसोस दुख है हमारा कि रईसा फातिमा जो हमारे साथ नहीं है उनका बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया है। लिहाजा कल तमाम बार एसोसिएशन से भी दरख्वास्त है और यहाँ की भी नामपल्ली कोर्ट की भी बार एसोसिएशन कल एक्शन कर रही है वर्क, और इस एहतजाज में एक साइलेंट सीट में आप लोगों का ताउन की ज़रूरत है।